नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल लखनऊ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप सब थंबनेल पे देखे होंगे, ये आज हम श्री राम स्वरूप जो कॉलेज है लखनऊ में है, उसकी प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि बीटेक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, एमबीए, उसमें प्लेसमेंट की क्या क्राइटेरिया होगी और क्या प्लेसमेंट सही में होता है। जो कॉलेज द्वारा बताया जाता है कि 100% प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट क्या सही में होता है इस कॉलेज में, तो वो सारी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। आप कमेंट करिए, हम विद इन 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो ये कुछ जो डाटा है, ये जो जो बच्चे 23 में एडमिशन लिए थे, जो अभी पास आउट हुए होंगे और जो 23 में एडमिशन लिए थे, उससे पहले लिए, तो उसमें से जो प्लेस्ड स्टूडेंट है उनका ये यहाँ पे नाम और यहाँ पे ब्रांच और यहाँ पे कंपनी दी गई है। ठीक है, कि कौन से ब्रांच में किस कंपनी में कौन से बच्चे गए हुए हैं। तो ये 2023 के बच्चे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज के हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, टीएस से हैं। ठीक है, वैसे ही एमबीए के बच्चे हैं, आप सब यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कंपनी में, जैसे मान्या श्रीवास्तव एमबीए की जो गर्ल्स हैं इसमें। उसके बाद एमसीए के भी बच्चे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। ऐसे स्क्रॉल डाउन करके आप देखिएगा तो बहुत सारे कोर्सेज के बच्चे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कंपनी में, जैसा कि आप सब नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ की लिंक चाहिए होगा तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं जैसा कि आप सब हमारे स्क्रीन पे, ये काफी बच्चे हैं जो इस बार प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट 95% बच्चों का हो जाता है। 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, एज पर द कंसर्न ऑफ स्टूडेंट 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, बट 95% यहाँ पे प्लेसमेंट है, हो जाता है बच्चों का। ठीक है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं कि सर जो फाइल प्लेसमेंट है उसका हाइलाइट्स क्या है। ठीक है, तो ये कंपनियां हैं जैसे कि आप सब देख सकते हैं जो कि आई थी इस बार। ये यहाँ पे जैसे कोडियंग जो आई थी वो 7.36 लाख के पैकेज से आई थी, जो कि 3 बच्चों को यहाँ से लेके गई है, इस कॉलेज से 3 बच्चों को लेके गई। तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7.3, 1.97, 4.5, 4.5, मतलब एक अप्रोक्स लगा सकते हैं कि जो 4.5 है या 4.5 लाख आपका एवरेज पैकेज इस कॉलेज में आपको मिलना है। ठीक है, एवरेज जो है आपको इतना मिल जाएगा। जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे, काफी कंपनियां आई हुई हैं जो बहुत पैकेज के साथ आती हैं और बच्चों को ले जाती हैं। यहाँ पे प्लेस स्टूडेंट का नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे गोदरेज में है, गोदरेज में 2 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, ऐसा अडानी पोर्ट आया था, अडानी पोर्ट में भी 3 बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं। वैसे ही आप सब अपने देख सकते हैं, एचसीएल टेक आया था, तो एचसीएल का जो पैकेज होता है दोस्तों ऑलरेडी लो होता है एज द फ्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियां थी जो कि बच्चों इस कॉलेज में आई हुई थी। ठीक है, ये जैसे कॉलेज वाले दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो प्लेसमेंट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में 80% प्लस है, इतने स्टूडेंट हमारे प्लेस्ड हो गए हैं, इतने जॉब पा गए हैं। जैसे इन्होंने दे रखा है 90% कंप्यूटर साइंस में दे रखा है, 48 LPA हाईएस्ट सैलरी दे रखा है। ठीक है, तो 48 का तो मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको बता देता हूँ एज अ ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट, जो एवरेज होगा वो 4.5 होगा, जो हाईएस्ट होगा वो आपका 10 से 12 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और गया होगा 48, लेकिन किस ईयर में गया ये मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इस ईयर में। और जो कंपनी मैंने आपको दिखाया, यही सब कंपनी है जो कि प्लेस्ड हुए हैं बच्चे, और यहाँ पे एवरेज जैसे इन्होंने दे रखा है 4 LPA। ठीक है, तो 4 LPA तो दोस्तों मिलना ही है, जैसे कि आप सब पिछले हमारे डाटा में देखे थे। ठीक है, कि जिन बच्चे जो बच्चे प्लेस्ड हुए थे उनका 4 LPA उनको मिला ही है। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए एमबीए के लिए और बीटेक के लिए, तो एमबीए के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड। ठीक है, आप देख लीजिए क्या क्या है आपके पास, क्या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको रहेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक, सेम एज यूजल अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कॉलेज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर वहाँ जाकर कमेंट करिए, यूट्यूब पर कमेंट करिए, और जरूर पूछिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।